हेलो एवरीवन, आज हमारा फर्स्ट डे था जॉइनिंग का और इसी का एक्सपीरियंस हम यहाँ पे शेयर करने के लिए आपके सामने आए हैं। बहुत एक मोटिवेशन आज हमें मिला जो हम आपके सामने यहाँ पे शेयर करना चाहते थे, तो मैंने सोचा कि आई शुड मेक ए वीडियो और यू नो दैट विल हेल्प योर अपकमिंग प्रिपरेशंस। तो ये वो उन सारे स्टूडेंट्स के लिए, एस्पायरेंट्स के लिए ये वीडियो है जो अपकमिंग वैकेंसीज के लिए वो प्रिपरेशन लेने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरा मतलब कमिश्नरेट ऑफ टेक्सास में हुआ है। ये हमारा जोनल हेडक्वार्टर है, हमारा पूरा बराक वैली का जितना डिस्ट्रिक्ट आता है इसे जोनल हेडक्वार्टर में हमारा पोस्टिंग हुआ है। हेडक्वार्टर का एक छोटा सा सब यूनिट में हुआ है, लेकिन वो हेडक्वार्टर ही काउंट किया जाएगा क्योंकि अभी वो पूरा डिपार्टमेंटल शिफ्ट हो रहे अभी। तो आज हमें वहां पे रिपोर्टिंग टाइम के लिए बुलाया गया, तो टाइम था 9:30 को, तो हमने मॉर्निंग 9 o'clock तक हम वहां पे रिपोर्ट कर चुके थे। तो फिर उसके बाद डॉट मतलब 10 बजे से पहले मतलब कमिश्नरेट ऑफ टैक्सेस असिस्टेंट कमिश्नर मैम हमारा है, उन्होंने आके हम सबको बुलाया। तो फिर एक वन बाय वन हम सबको इंट्रोड्यूस करने के लिए बुलाया, तो सबने अपने बारे में बताया और देयर वेयर 14 कैंडिडेट्स। हमारे यूनिट में 14 कैंडिडेट्स थे, उनमें से 10 लोगों ने रिपोर्ट किया और 4 अभी रिपोर्ट करना बाकी है और दे वेयर वेरी वेल क्वालिफाइड। मतलब एक तो है जो सब इंस्पेक्टर से भी वो आए हुए थे और बाकी मैक्सिमम लोग मतलब यू नो साइंस बैकग्राउंड के थे और कुछ ना कुछ एक सब्जेक्ट मेजर के साथ थे। तो वैसे मैम मतलब हंसी मजा बहुत एक इंटेलेक्चुअल है मैम और बहुत एक फ्रेंडली है, तो वो ऐसे ही बोल रहे थे कि आप लोग बहुत क्वालिफाइड हो, हमें बहुत अच्छा लगेगा आप सबको के साथ काम करने में। दैट्स हर हाइनेस स्पीकिंग सो हाई, तो हमें बड़ा अच्छा लगा। और फिर उन्होंने फिर डिपार्टमेंट के बारे में एक वन बाई वन इंट्रोड्यूस करवाया कि कौन किन कौन किसका पार्ट है, और फिर मतलब वो हमारा अपॉइंटमेंट लेटर एक ही में पूरा सब लिस्ट में नाम था, तो वो सबका क्वालिफिकेशन के हिसाब से उन्होंने मतलब देखा कि आपको उसका टैक्स देखना है, आपको उस सेक्शन का टैक्स देखना है। मैं वो डिपार्टमेंटल का इंटरनल चीज में यहाँ पे शेयर करना मुझे अब इस मोमेंट में शायद ठीक नहीं लगता, तो उसका हायर की अलग है, तो मैं यहाँ पे वो डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ। तो जैसे मेरा टेक्निकल बैकग्राउंड है, तो मुझे मैम बोल रहे थे कि यू शुड चेक ओवर यू नो लाइक थिंग्स लाइक यू नो कंप्यूटर बेस्ड समथिंग। तो ऐसे वो सेक्शन वाइज लोगों को डिवाइड कर रहे थे, तो बेसिकली मतलब हमें वो टैक्स का कलेक्शन और ये बिलिंग और ये सब पूरा मॉनिटर करना होता है। तो आज बस इंट्रोडक्शन ही हुआ, फिर सीनियर सारे लोगों को बुला के फिर वो इंट्रोडक्शन करवाया। मतलब वर्कलोड इतना नहीं है जितना मतलब बाहर से देखते हैं, लेकिन हाँ डिपार्टमेंट में देर आर वेरी एफिशिएंट पीपल। फिर उनके अंडर में आते हैं मतलब वो भी एससीएस है, सीनियर एससीएस है, और उनके अंडर में फिर और एससीएस आते हैं। देर वेयर 4 एससीएस ऑफिसर्स वेयर देर अगेन वेरी न्यूली रिक्रूटेड, नया भी नहीं, इतने भी नहीं थे, लेकिन हाँ 4-5 साल के वो हमारे सीनियर्स थे। वहां पे उन्होंने भी अपना इंट्रोडक्शन दिया और हमें इसके डिपार्टमेंट के बारे में आज बहुत अच्छे से समझाया कि आप लोग क्या करना है, आगे कैसे आगे बढ़ना है, ये सारा चीज वो वहां पे अपने अपने बारे में मतलब इंट्रोडक्शन के साथ वो मोटिवेट करके हमें आगे ले जा रहे थे। और उस टाइम पे हमें एक चीज बड़ा अच्छा सा याद आया कि हमारे सीएम सर जब वो अपने स्पीच में थे, तो उन्होंने एक बड़ा सही चीज सा बोला था कि अगले 5 साल में हमारा स्टेट पूरा ऑल ओवर इंडिया में टॉप 5 में आने वाला है और हम इसके लिए जी जान लगा के मेहनत कर रहे, और आप वही दरिया हो कि आप बॉटम आपसे लेके बॉटम लेवल तक के बीच का मीडिएटर आप हो, आप हमें कोशिश कर मतलब हेल्प करेंगे इसी जर्नी को आगे बढ़ाने में और सक्सेसफुल करने में। आज हमने वो अपने सीनियर्स के मतलब सीनियर्स से जब इंट्रोडक्शन में हमें जानने को मिला, वो चीज आज हम प्रैक्टिकली उस चीज को फील कर पाए, हाँ यू कैन क्रिएट ए डिफरेंस अगर आप चाहो तो। और ये बहुत एक यू नो एक बहुत एक अच्छा एक मौका है हम मेरे लिए और हमारे जितने भी न्यूली रिक्रूटेड जो भी है वो सारा सबके लिए। मतलब हमें इस चीज का बड़ा अच्छा लग रहा है टू बी वेरी ऑनेस्ट,
इतने एफिशिएंट मतलब सीनियर एसीएस ऑफिसर्स के साथ हमें काम करने का मौका मिलेगा, बहुत कुछ सीखने को मौका मिलेगा और विल गेट सो मेनी एक्सपोजर्स, यू नो दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन लाइफ आई बिलीव। तो फिर उसके बाद हमारा मतलब लंच ब्रेक वगैरह हुआ और फिर मतलब डॉक्यूमेंट प्रोसेस भी साइड बाई साइड चलता रहा, किसी का कुछ डॉक्यूमेंट छूट गया तो फिर उनको बोला गया नीचे से वो डॉक्यूमेंट प्रिंट आउट लेके आइए, मेडिकल फिटनेस रिपोर्ट पहले हमारा रेडी नहीं था तो फिर उसके लिए भी हमें 1 वीक का टाइम दिया है। और वहां पे एक चीज बहुत सही चीज बोला जो मुझे लगा कि मैं आप सबके साथ यहाँ पे शेयर करूंगा, ये है कि उन्होंने मैम ने हमें बड़ा फ्रेंडली भी ये चीज बताया कि देखो आप लोग ही मतलब बहुत कुछ कर सकते हो अगर आप यहाँ पे चाहो तो, हमें यहाँ पे इतना कैंडिडेट का जरूरत नहीं था लेकिन गवर्नमेंट ने हमें बहुत अच्छा और बहुत एफिशिएंट कैंडिडेट दिया है और आगे हमें और कैंडिडेट नहीं चाहिए होगा, वी हैव मोर देन सफिशियंट रिसोर्स विद अस, मतलब हम सबको इंक्लूड करके उन्होंने ये चीज बोला। तो इस मोमेंट से मुझे एक चीज मैंने ये रियलाइज किया कि यू नो अभी जितना भी डिपार्टमेंट, शायद अगर मेरा डिपार्टमेंट का अगर ये हाल है तो ऑलमोस्ट मैं अगर इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मुझे बाकी डिपार्टमेंट के बारे में इतना आइडिया नहीं है लेकिन मैं एक राफली एस्टिमेट करके बता रहा हूं कि शायद ऐसा हो सकता है कि 50-60% में इतना अच्छा डिपार्टमेंटल स्कोप में इतना अच्छा वैकेंसीज के साथ शायद अगले 5-6-7 साल आना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि सबका जितना नीडफुल रिसोर्सेस है ना वो सारा फुलफिल होते हुए सब देख रहे होंगे। जैसे अब शायद हमारा डिपार्टमेंट में और नए लोग का यहाँ पे रिक्रूटमेंट होना इज नियरली इम्पॉसिबल हो जाएगा क्योंकि मोर देन सफिशियंट है यहाँ पे, जो भी है मोर देन सफिशियंट, मतलब बहुत अच्छा मतलब टीम है, बहुत एफिशियंट लोग है और मोर देन सफिशियंट रिसोर्सफुल पर्सन अब आ गए, अब उससे ज्यादा शायद और नहीं चाहिए होगा, है ना। और अगर मैं अपना डिपार्टमेंट का मान के चल रहा हूँ तो ऐसे शायद और बाकी सब डिपार्टमेंट का भी वही हाल होता होगा, मैं ऐसे मान के चल रहा हूँ, आई कैन बी रॉन्ग। अब अगला आने वाला जो 22,000 वैकेंसीज है मैं उनके लिए मैं आपको बोलना चाहूंगा, वो पूरा होने के बाद बाकी जितना भी डिपार्टमेंटल में वैकेंसीज है ना वो ऑलमोस्ट वो कंप्लीट हो जाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है। और अभी लग रहा होगा आपको 22,000 वैकेंसीज है, देख लेना देट विल कम अराउंड 25,000-26,000। आज भी हमारे डिपार्टमेंट में ये सब का डिस्कशन हो रहा है क्योंकि ओवरलैपिंग हो रहा है, आप सबको पता होगा, है ना। तो ओवरलैपिंग पहले ऐड, अभी आप बोलेंगे सर ओवरलैपिंग तो ऑलरेडी ऐड हो गया, नहीं सर वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है क्योंकि ओवरलैपिंग हुआ है कि नहीं, ओवरलैपिंग कैंडिडेट तब वो निकाल सकते हैं आफ्टर 15th ऑफ दिस मंथ। जैसे मैं ओवरलैपिंग, मैं खुद एक कैंडिडेट हूँ, मेरा भी एडुकेशन में हुआ, मैं इस डिपार्टमेंट में भी आज जगह जगह ज्वाइन किया, तो मेरा एक सीट जाएगा ऑब्वियसली। अब बाकी सीएम सर को कैसे पता कि वो सीट गया कि नहीं, वो तो उनको तब पता चलेगा ना जब 15 के बाद उनको लिस्ट सबमिट होगा तब। तो इसका मतलब अगर मैं ओवरलैपिंग कैंडिडेट अगर मैं ऐड करूंगा तो उससे ज्यादा होना चाहिए, 22,000 से ज्यादा होना चाहिए, दैट विल कम अराउंड 25,000-26,000। और ये आप सबके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, शायद इसके बाद इतना बंपर वैकेंसीज आपको कभी देखने को ही ना मिले, ऐसा हाल है क्योंकि डिपार्टमेंटल में सब वैकेंसीज वगैरह ऑलमोस्ट फिलअप हो जाएगा। तो इसी चीज को हम आपको सामने यहाँ पे शेयर करना चाहते थे, तो मैंने सोचा कि चलो आई शुड मेक ए वीडियो और मैं आप सबको ये चीज मोटिवेट करने के लिए मैं यहाँ पे आपको जरूर बताऊ। तो और ये चीज मैं आपको ये चीज बताना भी यहाँ पे भी चाहता हूँ कि अब वो जो मतलब बोलते हैं ना कि डिपार्टमेंट में इनएफिशियंट लोग है, काम नहीं करते, सर ऐसी ये बोलने के लिए होता है। आप जब डिपार्टमेंट में जाएंगे अपने सीनियर्स को उनका क्वालिफिकेशन, उनका रैंक और इनका मेहनत आप देखेंगे तो मतलब आप खुद मोटिवेटेड हो जाएंगे कि वो इतने सीनियर इस पोजीशन में आके वो इतना लेबर कर रहे, तो हमारा तो जानने जस्ट शुरुआत ही हुआ है। तो ये एक पॉजिटिव मैसेज भी हमें यहाँ पे आके देना था। अब मैं आपको छोटी सी चीज ऐड करना चाहूंगा, वीडियो ज्यादा लेंदी हो रहा है, मतलब हमारा जो सीनियर्स जो थे ना यहाँ पे, जो मतलब सीनियर एसीएस जो थे, उनको एक सेकंड के लिए उनको टाइम नहीं मिल रहा था, मतलब वो अपना मीटिंग छोड़ के लोगों से वो 1 by 1 आ रहे थे, उसी के बीच में मैम ने बुलाया तो वो सब आके सर लोगों ने हमारे साथ इंट्रोडक्शन किया और बोला अरे आप लोग तो यहीं पे हो, हम कहीं नहीं जा रहे, जस्ट ए फॉर्मल इंट्रोडक्शन, आज वैसा एक बड़ा कुछ मतलब नहीं कर पा रहे लेकिन हम बाद में जरूर करेंगे, एन एक्सक्यूज अस फॉर सम टाइम, वो बोल के चले गए वो। तो इससे पता चलता है कि वो कितने बिजी है ना, ऐसा भी नहीं है कि कोई काम नहीं है, सारा दिन भर पड़े रहे गए नहीं,
वो दिन गया, मतलब देर आर वेरी एफिशिएंट पीपल एंड देर आर लॉट मोर थिंग्स टू डू, और बहुत अच्छा लग रहा है ऐसे टीम के साथ हमें जुड़ के। सो वही एक मैसेज देना था आप सबको। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑनलाइन क्लासेस के लिए भी मतलब बोल रहे हैं अपकमिंग वैकेंसीज के लिए। मैं नीचे कॉन्टेक्ट नंबर कॉमेंट सेक्शन में पहला कॉमेंट मतलब मैं पिन करके रख दूंगा, आप काइंडली उस नंबर के साथ आप व्हाट्सएप में आप बात कर लीजिएगा। हमारा जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन बैच है वो हमारा नाइट क्लासेस में हमारा हो रहा है, डे क्लासेस में प्रैक्टिकली लेना इम्पोसिबल हो रहा है, तो फ्री टाइम में हम नाइट में लेते हैं। दैट इज कम एक बैच चल रहा है आपका 8 to 9 9:30 और दूसरा चल रहा है 10 to 11:30 11 बजे तक, इस दो शेड्यूल में क्लासेस चल रहे हैं। तो उसके बारे में हम डिटेल्स में कभी और आगे बात करेंगे। पहले वाले वीडियो में बहुत सारा कमेंट्स आ रहा था तो मैंने सोचा कि इसका रिप्लाई इस वीडियो में हम आपको बता दे, ठीक है। और ऑनलाइन क्लास में हम क्या कर रहे हैं इस बार, हम बोल लास्ट टाइम हमने क्या किया था, बहुत ज्यादा पढ़ लिया था तो इस बार का थोड़ा एक्सपीरियंसेस आया और इस बार हमने बोला कि हम ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, हम कम पढ़ेंगे, वेरी लिमिटेड पढ़ेंगे। बुक लिस्ट आप सबको मिल गया होगा, काफी टाइम मिला इस बार फ्री, काफी टाइम फ्री टाइम मिलेगा, हम इसमें यूटिलाइज करेंगे, बहुत सारा क्लासेस भी हम लेंगे और यहाँ पे यूट्यूब में भी हम वीडियो अपलोड करेंगे। इस आज टाइम मिला हमने वीडियो बना लिया, ऐसे आप में और भी टाइम मिलेगा और हम ऐसे आपको वीडियो देते जाएंगे, ठीक है। अगर यहाँ तक अगर आपको अच्छा लगा, अगर आप थोड़ा बहुत भी अगर मोटिवेटेड हुए अगले अपकमिंग प्रिपरेशन के लिए और इसका अपडेट भी अगर आप चाहते हैं तो आप अपना एक छोटा सा सपोर्ट हमारे साथ शेयर करेंगे। जाते जाते चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए और इसका अगला आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और ये एक सपोर्ट रहेगा आपके साइड से हमारे लिए। विद दिस नोट आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग प्रिपरेशन, गुड लक एंड टेक केयर, बाय बाय।